नमस्कार बच्चों, आज आपको लिंग विचार का पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये लिंग विचार। तो आज का लिंग विचार में आज पढ़ाएंगे हम स्त्रीलिंग। क्या पढ़ाएंगे? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। आज हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। तो स्त्रीलिंग ये देख रहे होंगे, स्त्रीलिंग इससे पहले हमने पढ़ा था लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का क्या होता है? बोध होता है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का क्या होता है? बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने आपको इसमें दो लिंग बताए थे, लिंग के बारे में बताया था पहले, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, ये पढ़ाया था। तो नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग पढ़ा दिया था। अब इसके बाद पुल्लिंग भी पढ़ा दिया था कि पुल्लिंग की पहचान क्या होती है। नित्य पुल्लिंग में, नित्य स्त्रीलिंग में नर और मादा लगाया जाता है पीछे। और फिर हमने बताया था आपको कि पुल्लिंग में क्या होता है। पुल्लिंग में बताया था कि आपको अकारांतवाची, आव, आव, आह ऐसे शब्द हो तो उनमें वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जैसे पर्वतों के नाम, धातुओं के नाम, द्रव्यों के नाम, ये बताया था आपको पुल्लिंग होते हैं। तो अब हम आज आपको पढ़ाते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा। तो स्त्रीलिंग भी ऐसे होता है आकारांतवाची, अधिकतर शब्द क्या होते हैं? आकारांतवाची, आकारांत वाले, आ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, आ से अंत होने वाले शब्द, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, इस प्रकार के जो आ को पीछे लग जा रहा है, सीता, गीता, ये आ पीछे लग जा रहा है, तो ये शब्द क्या होंगे? अकारांत होंगे। क्या होंगे? अकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में क्या हो? आ हो। क्या हो? आ हो। तो वे अकारांत वाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकारांत वाची शब्द कहलाते हैं, जिससे आ, जिसका आ से क्या हो? अंत हो। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे कह रहे हैं कि पहले अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं अकारांत शब्द। तो अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको परीक्षा, परीक्षा भी क्या है? इसमें परीक्षा में क्या है? आ पीछे लगा है। फिर लिखते हैं अहिंसा, अहिंसा प्रकार के शब्द हैं, कृपा, कृपा देख पा रहे हैं इसको, फिर दया आदि ऐसे शब्द होते हैं जो अकारांत वाची शब्द होते हैं, जिनके पीछे आ लगता है, तो वह क्या होते हैं? अकारांत वाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। फिर दूसरा आ जाते हैं, फिर उकारांत शब्द। क्या है? उकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द। अब जैसे उकारांत वाची जैसे शब्द होते हैं, वे भी क्या होते हैं? उकारांत असम शब्द क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मृत्यु, मृत्यु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। मृत्यु, आयु, इनके पीछे क्या लगा? ऊ लगा है, तो ये क्या होंगे? उकारांत शब्द होंगे। आयु, वस्तु, ऋतु, वस्तु,
ऋतु, ये देख पा रहे हैं ऋतु, वायु, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, ये क्या हैं, इनके ऊ पीछे लगा है, उकारांत वाची, ये आकारांत हो गए, ये क्या हो गए, उकारांत हो गए, ठीक है, क्या हो गए, उकारांत है। अब इधर आ जाते हैं इकारांत है शब्द, इकारांत शब्द, इकारांत भी प्राय क्या होते हैं, कुल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, नदी, रोशनी, चोटी, ऐसे ये शब्द क्या हैं, इकारांत वाची शब्द हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इकारांत संज्ञाएं प्राय क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, अब रोटी में देख रहे होंगे कि टी पीछे लगा है, रोशनी, रोशनी, चोटी, सर्दी, सर्दी, गर्मी, ये सब कैसे शब्द हैं, सर्दी, गर्मी, नदी, और देखो एक चीज है, नदी जो है अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, अगर हम पानी बोलेंगे, पानी पुल्लिंग शब्द है, यहां बहुत भिन्नता है, अगर पानी बोलेंगे तो वह पुल्लिंग शब्द है, और नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये शब्द हो गए जो इकारांत शब्द हैं, वह क्या है, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब फिर आ जाते हैं भाषाओं के नाम, जैसे आपको मैंने पहले फलों के नाम, समुद्रों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम ये बताए थे, ये पुल्लिंग होते हैं प्राय, और इसके बाद आ जाते हैं भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये शब्द क्या है, सब स्त्रीलिंग में ही होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, भाषाओं के नाम सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये शब्द क्या है, सब स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम भाषाओं के नाम, भाषाओं, भाषाओं के नाम, के नाम, भाषाओं के नाम क्या होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इसके आगे आदि लिखेंगे, तो भाषाओं के नाम है वह किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा आ जाते हैं हम कि भाषाओं के नाम ये स्त्रीलिंग में होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जापानी, ये सब आपको बता दिया, उर्दू, फारसी, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं भाषाओं के नाम। अब इसके बाद आ जाते हैं जिन शब्दों के अंत में आवट या ता, आई, आहट आदि होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शब्द है सजावट, शब्द क्या है, सजावट, तो ये क्या है, इसमें आहट शब्द लगा है, क्या लगा है, आहट शब्द लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर है बनावट, बनावट इसमें भी आहट लगी है, बुढ़िया, इसमें क्या लगा, ईया शब्द लगा है, बुढ़िया है ना, बुढ़िया में क्या लगा है, बंदरिया, इसमें भी क्या है, ईया शब्द पीछे लगा है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मित्रता, सरलता, पढ़ाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, इनके पीछे ई लगा है, आ लगा है, ठीक है। कड़वाहट, घबराहट, ये शब्द क्या है, सब प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आवट, जिन शब्दों के अंत में क्या लगता है, आवट लगता है, ठीक है, या, ता, आई, आट, आहट आदि आते हैं, वे प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम आवट,
आवट किया था या ता, और जैसे पहले आपको पुल्लिंग में लिखा है इस प्रकार से लिखा रहे हैं आई अब जैसे पढ़ाई लिखाई ये शब्द क्या है सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होते हैं आहट क्या है आवट आवट और आहट आहट तो इनके दो दो उदाहरण देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको बताते हैं जैसे आवट है तो क्या हो सजावट क्या लिखेंगे यहाँ पे जैसे सजावट सजावट घबरावट है ना घबरावट ये शब्द क्या है बनावट ये शब्द क्या है सब स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं अब लिखते हैं किया है तो लिख देंगे बुढ़िया बुढ़िया गुड़िया ये शब्द क्या है सब स्त्रीलिंग है ठीक है अब त्रेता मित्रता शत्रुता ये शब्द कैसे हैं स्त्रीलिंग है सरलता एक उदाहरण और ले लेते हैं सरलता ठीक है अब है आई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई अब है फिर आ आ आहट क्या है आहट अब क्या होता है आहट से जैसे घबराहट कड़वाहट ये शब्द है घबराहट ये ठीक कड़वाहट एक शब्द और लिख सकते हैं आप इस पर उदाहरण उदाहरण के लिए तो ये जो मैंने आपको बताया इनसे अंत होने वाले जो शब्द हैं वो क्या होंगे प्राय वो स्त्रीलिंग होंगे जैसे सजावट हो गया आहट का इडिया कुड़िया हो गया ता का मित्रता हो गया सरलता है आई पढ़ाई फिर ये आहट तो घबराहट तो ये इनके क्या है जो आगे शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पे इन्हीं के उदाहरण है एग्जाम्पल है ठीक है तो ये स्त्रीलिंग की पहचान होती है क्या होती है स्त्रीलिंग शब्दों की ऐसी क्या होती है पहचान होती है तो ये लिंग विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द फिर स्त्रीलिंग ये पढ़े अभी आप उतार लेंगे अपने नोटबुक में अब ये तो हमने बच्चों पढ़े कि हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान बताई आपको कि कैसे कैसे शब्द होते हैं आवट लगाने पर कैसे भाषाओं के नाम फलों के नाम ये कौन कौन से आपको मैंने उदाहरण लिखाए तो अब कुछ सरल तरीका बताते हैं आपको पुल्लिंग शब्दों से बने स्त्रीलिंग में बदलते हैं पुल्लिंग शब्दों से बने स्त्रीलिंग शब्द ठीक है जैसे यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अब जैसे पुल्लिंग को हमने क्या करना है स्त्रीलिंग में बदलना है यहाँ पे बिंदु है
तो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग को हमने क्या करना है, स्त्रीलिंग में बदलना है, क्या करना है, स्त्रीलिंग में बदलना है हमने पुल्लिंग को। बहुत सरल होता है, कहीं आ लग जाता है, कहीं पे ई लग जाता है, तो जैसे प्रिय शब्द है, अब प्रिय शब्द को हमने, ये पुल्लिंग शब्द है प्रिय, अब हमने इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या हो जाएगा, प्रिय का प्रिया, क्या हो जाएगा, प्रिया, ठीक है। ऐसी शब्द है, फिर मूर्ख शब्द है, जैसे मूर्ख का, मूर्ख है, मूर्ख का क्या हो जाएगा, इसमें भी आ लगा देंगे, मूर्खा, क्या हो जाएगा, मूर्खा, ठीक है। फिर ऐसी शब्द है कुछ, जैसे बाल शब्द है, बाल, तो क्या हो जाएगा, बाला, क्या हो जाएगा, बाल शब्द का बाला, बाल का क्या हो जाएगा, बाला, ठीक है। वृद्ध शब्द है वृद्धा, ठीक है। पुत्र शब्द है, ऐसा क्या हो जाएगा, पुत्री, पुत्र का पुत्री, है ना, लड़का लड़की, लड़का लड़का लड़की, लड़का लड़की है, दास दासी, ये कहा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं, तो दास का क्या हो जाएगा, दासी, बहुत सरल है, दास का दासी, कहीं पे आ की मात्रा लग जाती है, जैसे बाल का, कहीं पे ई की मात्रा लग जाती है ना, जैसे धोबी शब्द है तो क्या हो जाएगा, धोबीन हो जाएगा, पापी शब्द है, पापीन हो जाएगा, ठीक। ऐसे शब्द है जैसे भव शब्द है, भवम भवानी आपने सुना होगा, भव क्या है, भव का क्या हो जाएगा, भवानी, भवानी, देव का क्या हो जाएगा, देवी, ठीक है। ऐसे नौकर का नौकरानी, रुद्र का रुद्राणी, श्रीमान का एक शब्द है श्रीमान, श्रीमान हम पुल्लिंग में बोलते हैं, श्रीमान, सम्मान देने के लिए श्रीमान का प्रयोग, श्रीमान लगाया जाता है, तो स्त्री के नाम के आगे क्या लगाया जाता है, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती, ये ऐसे लिख लेंगे, श्रीमान का श्रीमती, ठीक है। और जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को हमने कैसे स्त्रीलिंग में बदला, ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये तो हमने ई और आ का अंतर देखा, हमने कहीं ई लग जा रहा है, कहीं पे आ लग जा रहा है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जहां पे भिन्न रूप होता है, जैसे भाई बहन, है ना, पिता माता, माता पिता, नर मादा, ये युवक युवती, है ना, वर वधु, इस प्रकार के हैं, जहां पे क्या है भिन्न रूप है, वहां पे ना आ लगता है ना ई लगता है, कहीं इतना अंतर नहीं होता है वहां पे, तो वहां पे भिन्न रूप होते हैं उसके, है ना। तो देखते हैं कि जैसे भाई, अब भाई का कहीं यहाँ पे ई तो नहीं लगा है, भाई का हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया भाई, अब इसका उदाहरण हमने स्त्रीलिंग में बदलना है, ये तो पुल्लिंग हो गया भाई, तो बहन, बहिन, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, बहन लग रहा है ना, भाई का बहन, पुरुष, पुरुष का स्त्री, तो यहाँ पे क्या है, भिन्न रूप है, है ना, जैसे वर वधु, वर वधु, ये क्या है, भिन्न रूप है, इन्हें कहते हैं भिन्न रूप,
ये भिन्न रूप है। तो भाई बहन, पुरुष स्त्री, वर वधु, ये ऐसे उदाहरण है इसके, जैसे सास ससुर, ससुर सास, है ना, कवि कवित्री, पिता माता, विद्वान विदुषी। अब विद्वान शब्द क्या है, पुल्लिंग में है, और विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये क्या है, भिन्न रूप है इनका, बहुत अंतर है इनमें। अब मान लो कि इसीलिए हम कोई पुरुष विद्वान विद्वान कहते हैं हम उसको, कोई होशियार है बहुत, उसको क्या बोलेंगे हम, तो विद्वान आदमी है। और स्त्री कोई विद्वान है, इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, विदुषी। क्या बोलेंगे, विदुषी बोलते हैं। ठीक है, जैसे युवक, युवक शब्द है, युवक। अब यहां क्या हो जाएगा, युवती, क्या हो जाता है, युवती। ठीक है, ये जैसे एक उदाहरण और देते हैं, राजा का रानी, ये भिन्न रूप है इनके। ठीक है, पुल्लिंग से क्या है, स्त्रीलिंग में बदलाया, जैसे ये पुल्लिंग हो गया ना, ये क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक, और देखो भाई बहन, पुरुष स्त्री, वर वधु, युवक युवती, राजा रानी, ये भिन्न रूप है इसके। और यहाँ पे देख रहे हैं इनमें क्या आ जा रहा है, आ और ई की, ई का अंतर है, आ लग जा रहा है, फिर कहीं पे ई लग जा रहा है, जैसे प्रिय शब्द मैंने आपको पढ़ाया तो प्रिया हो जा रहा है, मूर्ख है तो मूर्खा हो जा रहा है, तो ई का लगा, लड़का है तो लड़की, दास है तो दासी, है ना, तो यहाँ पे ई लगा, लेकिन यहाँ पे भिन्न रूप है इसके, इसके क्या है, भिन्न है, इनमें बहुत भिन्नता है, पुरुष स्त्री भाई बहन, और इसमें कहीं ई आ नहीं लग रहा है, पुरुष का स्त्री, वर का वधु, युवक का युवती, राजा का रानी, ये भिन्न रूप है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। तो आज हम, अब हमने ये लिंग विचार के अंतर्गत ये पढ़े, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बंद कर दें। Thank you.